प्रदेश की योगी सरकार ने अपने 4 साल पूरे होने पर जिस तरह से अपनी योजनाओं को गिनवाया, वहीं राजधानी के नगर निगम के मुख्यालय में आज महिला सशक्तिकरण को लेकर और योगी सरकार के 4 साल को लेकर एक मीटिंग आयोजित की गई, जहां पर शिरकत की लखनऊ मेयर संयुक्ता भाटिया ने और कानून मंत्री ब्रजेश पाठक और उनकी धर्मपत्नी नम्रता पाठक ने, जहां पर सरकार की योजनाएं और महिलाओं के लिए उन्होंने बताया कि किस तरह से योगी सरकार में महिलाएं सशक्त हो रही है। आइए डालते हैं एक नजर। मैं डॉक्टर बबीता सक्सेना, मंडल उपाध्यक्ष भाजपा। मैं आज शक्ति मिशन के आयुष नगर निगम में आयोजित कार्यक्रम में जो है सभी बहनों का हार्दिक जो है सभी बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं और धन्यवाद देती हूँ। और इस मिशन शक्ति माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा चलाए हुए इस मिशन शक्ति में सारी बहनों के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि सारी बहनें हमारी और सशक्त बने और आगे बढ़ें। जो भी बहनें हमारी किसी भी कारणवश पारिवारिक है, किस आर्थिक है, किसी भी कमज़ोर वर्ग से हैं, जो आगे बढ़ जो सक्षम नहीं हैं परिवार से कि आगे वो बढ़ सके, हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने इसमें जो है महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए तरह तरह से योजनाएं दी हैं, तरह तरह से उन्होंने सेवा ये दिए कि योजनाएं दी हैं कि जिससे वो लोग अपना उद्योग करके किस तरह तरह से अपनी जो है संस्था बनाकर अपनी जो है अपनी कमेटी बनाकर काम को आगे करें, मत काम में काम करें साथ में और आगे बढ़ें, जिससे कि उनको किसी तरह से वो अपने आप को कमज़ोर और अपने आप को कमज़ोर न समझ सकें। वो महिलाएँ वो हम उनमें और माननीय योगी माननीय मुख्यमंत्री जी का हम धन्यवाद करना चाहेंगे क्योंकि उन्होंने उन महिलाओं के लिए वो महिलाएँ जो बेचारी तरह तरह से अपने बहुत से ऐसी महिलाएं थी जो अपने पारिवारिक स्तर से जैसे कुछ ऐसे जिनके हस्बैंड काम नहीं करते हैं या किसी कारणवश बीमार हैं, ऐसी महिलाएं जो बेचारी अपने आप को बहुत कमज़ोर और लाचार महसूस करती थी, आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा चलाए इस मिशन से वो सारी महिलाएं सशक्त हुई हैं, चाहे वो आंगनबाड़ी के रूप में, चाहे आशा बहू के रूप में, चाहे उन्होंने जो समूह बना के जो उन्होंने जो रोजगार कर रही हैं उसमें। इसलिए इस मिशन के द्वारा हम सारी महिलाओं की तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं और ये क्या और सारी महिलाओं के लिए 2 शब्द ये कहना चाहते हैं कि माना पुरुष बलशाली है मगर जीतती हमेशा नारी है। माना पुरुष बलशाली है मगर जीतती हमेशा नारी है। सांवरिया के 56 भोग पे एक तुलसी भारी है। जय श्री राम। मैं नीलम सिंह, महामंत्री महिला मोर्चा से हूँ और इस आज जो ये कार्यक्रम हुआ है मध्य विधानसभा में महिला सशक्तिकरण का, उसकी संयोजिका भी हूँ अपनी भाजपा महिला मोर्चा की तरफ से। इस कार्यक्रम के बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि 9 जगहों पे ये आज के ही दिन ये कार्यक्रम रखा गया है 22 मार्च को, जो कि 8 जगह ये चल रहे हैं या ख़त्म हो गए होंगे और एक कार्यक्रम अभी होना है पूर्वी विधानसभा का, जो हमारे माननीय नगर मंत्री श्री गोपाल जी टंडन जी की उपस्थिति में संपन्न होना है। कार्यक्रम इसलिए भी रखा जा रहा है कि मिशन शक्ति, पहले तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि मिशन शक्ति की ज़रूरत क्यों पड़ी, इस कार्य सशक्तिकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी। इसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि महिलाओं को सुरक्षा देना, एजुकेशन देना, शिक्षा देना, उनकी सुरक्षा और उनके पारिवारिक जीवन की देखभाल करना, वो एक चीज़ चली आ रही है सालों से, लेकिन वो जिस जगह पर हैं कहाँ पर वो कुछ अलग कर सकती हैं। जैसे कि अभी हम मनोरमा जी ने कहा है कि कल बहुत सारी महिलाएं हैं जो अलग अलग विभागों में काम कर रही हैं, ट्रक भी चला रही हैं, जैसे भाटिया जी ने कहा कि वो कूड़े वाला रिक्शा भी चला रही हैं, हवाई जहाज़ उड़ा रही हैं, कितनी राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, कोई ऐसी जगह नहीं बची है जो महिला जहाँ पहुँची नहीं हो। लेकिन सवाल ये है कि जो सामान्य महिलाएं हैं उनकी स्थिति क्या है। तो ये जो सशक्तिकरण चलाया जा रहा है उन महिलाओं को सशक्त करने के लिए चलाया जा रहा है, इस तरह के अभियान हो रहे हैं, उन्हें प्रोत्साहन दिया जा रहा है इस सम्मान सर्टिफिकेट दे करके। तो हमारे आज के कार्यक्रम में कानून मंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी हमारे मुख्य अतिथि थे, साथ में हमारी आदरणीय मेयर संयुक्ता भाटिया जी थी, आयोग की सदस्य मनोरमा दीदी थी और साथ में हमारी नम्रता भाभी जी थी जो हमारे कानून मंत्री जी की पत्नी हैं।
बबीता दीदी हैं, सबको आगे बढ़ा। मेरा नाम नीलम साहू है जी, मुझे बबीता साहू हैं, जैसे संगीता जी हैं उनके पीछे पीछे ही चलना है, जैसे वो आगे बढ़ रही हैं वैसे हम लोगों को भी आगे बढ़ना है। इसलिए हम बबीता दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, संगीता हमारे साथ है और संगीता और बबीता दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद।